कहाँ रख दिया मैंने? इसी थैली में तो नहीं गिर गया? ऐसे गायब कैसे हो सकता है? ये ढूंढ रही है। तुमने मेरे बैग से क्यों निकाला? क्यों छुपाया आपने ये? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, चुराया क्यों? मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि इतना बेकार सा फोन छुपा के इतना अच्छा फोन क्यों दिया उसको? मैंने कहा ना, तुम्हारा इससे कोई लेन देन नहीं है, दे दो वापस मुझे अब। अच्छा, जब आप स्कूल से मुझे सलोन लेके जाती थी उंगली पकड़ के, और मैं सबकी जासूसी करके आपको सबकी रिपोर्ट देती थी, तब तो आप मुझे बहुत शाबाशी देती थी, अब क्यों नहीं देती? ना कुछ सुन लेगा। अच्छा, अगर तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें बता देती हूँ। पार्लर में ना जब वो काम कर रही होती है ना, तो पता नहीं तरह तरह लोगों के फोन आते हैं, क्लाइंट्स डिस्टर्ब होते हैं ना बेटा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बस छुपा दूं। आपको भाभी पे शक है? नहीं, शक नहीं है, उसकी दो तीन सहेलियां हैं जो फोन करती हैं और घंटों बात करती हैं। अब देखो, मैंने उसे पार्लर की सुपरविजन के लिए रखा है ना, गपशप लगाने के लिए तो नहीं रखा मैंने। हाजिर दिमाग होना होता है पार्लर चलाने के लिए, हर किस्म की चीज चल रही होती है पार्लर में। इतनी सी बात है, दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन आप कहती हैं तो मान लीजिए। अच्छा, दे भी दो। और सुनो, सुंबल और भाई को कुछ ना कहना, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए बेटा। डील डन। कैसी डील? गिव एंड टेक। क्या चाहती हो तुम मुझसे? फ्रेंड्स के साथ फार्म हाउस की इजाजत और एक नाइट स्टे भी। क्या? फार्म हाउस तक तो ठीक है, दिन दिन में तुम जा सकती हो, लेकिन रात नहीं रह सकती तुम। अरे, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो एक पटाखा बच जाएगा इस घर में बेटा। यही तो डील है, इस पटाखे से बचाएं। भाई को कैसे मनाना है, कैसे इजाजत लेनी है, कैसे मामला संभालना है, सब आपके ऊपर है। थैंक यू मॉम फॉर द इजाजत, लव यू। थैंक यू ना, ये हो गया है, डन। मैंने इसको बिगाड़ा है, मैंने खराब किया इस लड़की को। काश मैं तुम्हें सुंबुल की तरह ना हर मामले से दूर रखती, फिर इस तरह ना तुम मुझे हर मामले पे ना ब्लैकमेल नहीं कर रही होती।